अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स? ये है धनिया, खुश्क धनिया है। इससे हम सब्ज़ धनिया उगाएंगे। आज हम उगाने वाले हैं धनिया। धनिया उगाने के लिए आपको थोड़ा सा सर्दी का मौसम चाहिए होता है, क्योंकि सर्दी का मौसम अच्छा रहता है, क्योंकि इसको ठंडक की भी ज़रूरत होती है। गर्मी में बीज सही से उग नहीं पाते। इस महीने में बीज आसानी से उगाते हैं और बहुत अच्छे से जर्मिनेट भी हो जाते हैं। गर्मी में बीज लगाने से ज़्यादातर बीज मर जाते हैं और सही से उग भी नहीं पाते। ज़्यादा सर्दी में भी उग नहीं पाते बीज, क्योंकि इनको थोड़ी सी हीट भी चाहिए होती है। अब हम धनिया के बीज लगाएंगे। आपने धनिया को मसल लेना है, यानी बीज को। ये देखें, ये मैंने इसको मसला हुआ है। आपने इस तरीके से हाथ से इसको मसल लेना है इन बीजों को, ताकि ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, दो हिस्सों में इस तरीके से। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इसको कर लेना है दो हिस्सों में। इस तरह से बीज जल्दी से उगाते हैं। ज़्यादा गर्मी में भी बीज की जर्मिनेशन सही तरीके से नहीं हो पाती। अब हमने इसके में जो मिट्टी यूज़ करनी है, ये देखें, जो मैं इसमें मिट्टी यूज़ कर रही हूँ, इसमें गाय का गोबर और मिट्टी भी है। आप ओनली मिट्टी में भी सीड लगा सकते हैं, वो भी उगाएंगे। बहुत ज़्यादा सीड आपने साथ साथ नहीं डालने। ये देखें, इस तरीके से आपने बीज लगाने हैं। ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बीज आपने साथ साथ में नहीं डालने। क्योंकि सीड जब जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेशन होगी सीड की एक साथ, तो इनकी रूट जो हैं वो फ्रेंड्स डाउन होने लगती हैं। ये देखिए, आपने भी इस तरीके से हल्का हल्का धनिया बास्केट में इस तरीके से लगा लेना है। मैंने इसमें गोबर और मिट्टी को मिक्स किया है, आप सिर्फ मिट्टी भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बीज डालेंगे तो बहुत ज़्यादा एक साथ बीज जो होंगे उनकी जर्मिनेशन जो होगी तो उनकी रूट डाउन होने लगती हैं, इसलिए पौधों की ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा सीड डालें, ताकि जर्मिनेशन इनकी अच्छे तरीके से हो जाए। मैंने टोकरी में मिट्टी को डाला है, लेकिन इसको पुश नहीं किया, आपने इसको दबाना नहीं है, पुश नहीं करना। सीड डालने के बाद हमने इस पर हल्की हल्की मिट्टी डालेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने सीड डाले, मैं इसमें अब हल्की हल्की मिट्टी डालूंगी। ज़्यादा मिट्टी नहीं हमने इसमें डालनी, बस हल्की हल्की मिट्टी डालनी है। धनिया के पत्ते को ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं होती, 4 इंच की गहराई इसके लिए बहुत ही बेस्ट होती है। आप इसको पोट में भी लगा सकते हैं, आप इसको इस तरह टोकरी में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं, आप इसको क्यारी में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस पर हल्की हल्की सी मिट्टी डाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे जो हैं मान ना जाए, इनके जर्मिनेशन जो है जर्मिनेट ठीक तरीके से हो, तो इसको आप धूप में रख देंगे, जर्मिनेशन अच्छे तरीके से होगी। अगर आपके पौधे मर जाते हैं, गल जाते हैं, तो इसकी एक ही रीज़न होगी, इसको प्रॉपर धूप नहीं मिलती होगी। या मिट्टी के अंदर फंगस होगा या कीड़े होंगे, इसकी वजह ये हो सकती है। पुरानी मिट्टी अगर आपने यूज़ करना चाहते हैं, गमले की मिट्टी या कोई भी, आप उसको धूप लगवा लें, सन ड्राई कर लें, धूप में सुखा लें, इसके बाद सीलिंग करें। अब हम इसको पानी देंगे, ऊपर से पानी नहीं डालेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, मैं इस ट्रे में पानी डाल रही हूँ, हम ऊपर से पानी नहीं डालेंगे, ताकि सीड अपनी जगह से हिल ना पाए। मैं ट्रे में पानी डाल रही हूँ ताकि मॉइस्चराइज मिलता रहे इसको। ये इस वीडियो का मैं फर्स्ट पार्ट आपको दिखा रही हूँ, इसका सेकंड पार्ट आपको इंशाल्लाह जल्द दिखाएंगे।
ये देखें, अब मैं इसको डाल के इसमें ट्रे में पानी डाल के धूप में रख दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।